निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी क्षिप्रा शरयू ख्याति खुलेआम एक अनजान आदमी हाथ में बंदूक लिए शादी के मंडप में घुस आता है। उसका निशाना है दूल्हा। कौन था वो आदमी और कौन थी वो दुल्हन जिसके दूल्हे पर गोली चलने वाली थी? राजेश बोरकर, इंटरव्यू के लिए आया हूं। प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिए। ओके। हाय। हाय। इंटरव्यू? या आई एम राजेश बोरकर। You? अपना जॉब लेकर जॉब चेंज के लिए आई हो या कहीं जॉब करती हो? नहीं, मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मेरी फर्स्ट जॉब है। दैट्स ग्रेट। और आप? आपकी भी फर्स्ट जॉब है? नहीं नहीं, मैं मेरी पुरानी जॉब से बोर हो गया हूँ, इसीलिए मैं चेंज के लिए आया हूँ। अपना जॉब लेकर? एक्सक्यूज मी, आपका फोल्डर। ओह थैंक्स। वो मैं थोड़ी नर्वस हूँ ना, इसीलिए। नर्वस होने की कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड यू कुड बी द बेस्ट। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। सच बताओ, ये जॉब ऑफर तुमने एक्सेप्ट नहीं की ना? नहीं नहीं, वो तो ऑफर कुछ जमी नहीं इसलिए। अच्छा, या फिर ये जॉब ऑफर मुझे दिलवानी थी इसलिए सैक्रिफाइस एक्सेट्रा। देखो, ये जॉब तुम्हें मिल गई ना, सो बी हैप्पी। और वैसे भी मेरी करंट जॉब जो है वो इतनी बुरी नहीं चल रही, मैं सिर्फ थोड़ा सा चेंज चाहता था और कुछ नहीं। वेल, मंडे से ज्वाइन करना है मुझे। ओह दैट्स ग्रेट, ऑल द बेस्ट। तुमने एक बार ऑल द बेस्ट कहा और मुझे जॉब मिल गई, अब ऑल द बेस्ट कह रहे हो तो सब कुछ बेस्ट ही होगा। अच्छा अपर्णा, एक बात बताना। मैंने तुमसे तुम्हारा नंबर मांगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? क्यों, बुरा लगना चाहिए था। वेल, बुरा नहीं लगा इसका मतलब अच्छा लगा। इसका मतलब तुम भी मुझे मिलने में उतनी इंटरेस्टेड थी। क्या सुनना चाहते हो तुम? यही कि मेरी कोशिश कामयाब होने के
कुछ तो चांसेस हैं या नहीं? अपर्णा, मुझसे शादी करोगी? राजेश, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन हम एक दूसरे के पेरेंट्स को भी नहीं मिले हैं अब तक। तुम्हें क्या लगता है, वो इनकार करेंगे? पूछना तो पड़ेगा। मैंने यही पुणे से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। सैलरी भी अच्छी है। अपने आई बाबा के साथ रहता हूँ, उनका इकलौता लड़का हूँ। अपर्णा से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे आई बाबा अपर्णा से मिले हैं क्या? उनकी तरफ से भी हाँ है? थैंक यू। जोगलेकर साहब, लड़के को लड़की पसंद है और लड़की को लड़का, दोनों समझदार हैं, अच्छा जॉब करते हैं और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमें भी कोई आपत्ति नहीं, दोनों अपने अपने पांव पर खड़े हैं, अच्छा कमा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या? वेल, अगर सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है तो देर किस बात की, जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। अरे बेटा, पहले मुहूर्त तो देख लो, दोनों परिवार को सूट करे ऐसी डेट देख लेते हैं। और हाँ जोगलेकर साहब, शादी का खर्चा आधा आधा। अरे आप लड़की वाले हैं, इसका मतलब सारा बोझ आप पर, ये हमें मंजूर नहीं। हमारी एक ही तो बेटी है। मुझे पता था आप यही कहेंगे, मेरा भी तो इकलौता बेटा है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ये हुई ना बात। ओ मिस जोगलेकर, और कितना शॉपिंग बाकी है? अरे हो गया, बस दो तीन शॉप्स ही बाकी हैं। और दो तीन शॉप्स? अपर्णा, आई टेल यू, अच्छा हुआ अपनी शादी की डेट 31 जनवरी डिसाइडेड है, वरना मैं मेरा माइंड ही चेंज कर देता। ओ मिस्टर बोरकर, ज्यादा बोर मत करो समझे, ये तो बस शुरुआत है। अच्छा ये शुरुआत है, इसका मतलब शादी के बाद सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग। और क्या। शादी के ही दिन मंडप में सभी मेहमानों के सामने दूल्हे राजेश बोरकर की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन शादी के दिन होने वाली ये पहली और आखिरी दुखद घटना नहीं थी। क्या इस ट्रेजेडी की, इस जुर्म की दस्तक किसी ने भी नहीं सुनी थी? राजेश! राजेश! Yeah.
सर ये तो मर चुका है। अभी जिंदा ही है, एम्बुलेंस को बुलाओ। सर साहब, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने गोली चला दी। मैंने उसे देखा था, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। चेक क्यों होगा साहब? मुझे लगा मंडप के कामगार में से कोई है। कोई कुछ कैसे कर पाता साहब? इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता बहुत देर हो चुकी थी। वरमाला हो चुकी थी, दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने ही वाला था कि लड़की और उसके घर वाले शौक में है सर, कोई भी बात करने की हालत में नहीं है। मारने वाला अभी भी जिंदा है, सांसें चल रही है उसकी। देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है मर्डर के लिए। और पता करो ये देसी कट्टा आया कहां से। गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई है, सीधी सर में लगी है। सिर्फ एक गोली, मतलब निशाना पक्का था। I'm sorry, हम उस पेशेंट को बचा नहीं पाए। क्या? उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, उसकी पूरी बॉडी पर फ्रैक्चर्स थे, कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। इसकी तस्वीर सारे अखबारों में छपवा दो, पता तो चले कि ये है कौन और क्यों इसने राजेश बर्गर की शादी में घुसकर उसकी हत्या की। खबरी को काम पे लगा दिया है सर, देसी कट्टा कहां से आया जल्दी पता चल जाएगा। एक काम करो, इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन को भेज दो, हो सकता है कि ये कोई हिस्ट्री शीटर हो या फिर किसी ने इसे सुपारी दी हो। सर दोनों फैमिलीज का क्या हाल है? घर वाले कोई बयान देने की हालत में नहीं है सर, दूल्हे के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और लड़के अभी भी सदमे में। कल कोशिश करते हैं घर वालों से बात करने की लड़के के। क्या पता कौन था वो,
पहले कभी नहीं देखा था उसको। देखिए एक बात तो साफ है, वो लड़का आपके बेटे की हत्या करने के इरादे से ही आया था। पर क्यों क्यों? बोरकर साहब एक बात बताइए, आपके लड़के राजेश को कभी किसी ने कोई धमकी दी थी? नहीं, मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा लड़का था, उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब बहुत खुश था मेरा बेटा, एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था। राजेश मेरा इकलौता बेटा था, उसकी किसके साथ क्या दुश्मनी थी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्यों मार डाला मेरे बेटे को, मेरे ही बेटे को क्यों? हाँ गोविंद बोलो। हाँ सर, ये पुणे के अंदर तो कोई कट्टा नहीं बिका है। सुपारी लेने वाले की कुछ खबर? नहीं साहब, कोई सुपारी भी नहीं दी गई थी। ये आदमी कोई रेगुलर मर्डर केस करने वाला नहीं लगता, कोई से पहचानता नहीं है। ठीक है, अपने कान और आँख खुले रखना, और कुछ भी खबर मिलती है तो मुझे तुरंत फोन करके बता देना। ओके सर। पवार, ये सुपारी वाला एंगल नजर नहीं आ रहा है, लड़की वालों से बात करनी होगी, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। सर लड़के के ऑफिस वालों से ही पता करते हैं, क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो। हाँ कहीं ना कहीं से कोई तो सुराग हाथ लगे। कुछ बता सकते हैं ये क्यों हुआ होगा, और वो लड़का कौन था? आपके होने वाले दामाद को मारा है उसने, कोई तो वजह होगी। हमें नहीं पता वो कौन लड़का था और क्यों उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। हो सकता है राजेश का कई और अफेयर रहा हो जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई हो। हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते। राजेश हमारे ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपर था, वो बहुत ही मेहनती और अच्छा लड़का था। कोई लड़की वड़की का चक्कर? ये अपहरण उसके जिंदगी में आने के पहले किसी और लड़की के साथ उसका अफेयर था? इतना कुछ तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन जहाँ तक मैं जानता था राजेश को, वो अपर्णा से बहुत प्यार करता था। वो चीटिंग करने वालों में से नहीं था, वो बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेहनती था, ईमानदार था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फिर भी किसी ने इतनी बेरहमी से उसे मार डाला। वो भी मांग में सिंदूर भरते भरते ठोक दिया, पूरा फिल्मी लगता है सर। कोई तो था जो चाहता था ये राजेश और अपर्णा की शादी ना हो। पक्का कोई पुराना लफड़ा है सर, जिसके बारे में ये दोनों फैमिलीज के लोग कुछ नहीं जानते, या फिर जानकर भी चुप है। वो लड़की अपर्णा अभी तक कुछ नहीं बोली है सर। शायद शौक की वजह से, या फिर कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। हाँ गायकवाड़ बोलो। साहब यहाँ पर एक आदमी और औरत आए हैं, वो पॉइंट ब्लैंक वाला किलर है ना, ये लोग कहते हैं इनका बेटा है। नाम क्या बताया बेटे का? नीलेश करंडे। एक काम करो, उन दोनों को वहीं बिठा के रखना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है साहब। चलो कम से कम नाम तो पता चला, अब शायद उसकी फैमिली से पता चलेगा कि ये मर्डर हुआ क्यों है। हेलो। नमस्कार, PSI केंकरे बोलते हैं, आउटर पुणे पुलिस स्टेशन। नमस्कार, बोलो केंकरे। ये खूनी जिसका फोटो आपने भेजा है
उसका नाम है नीलेश कारंडे। हाँ हमें भी पता चला, लेकिन तुमको कैसे पता चला? कोई केस वेस हुआ है क्या उसके ऊपर? कोई रिकॉर्ड्स मिले? एक एनसी है उसके नाम की जो दिसंबर में दर्ज करवाई गई थी। ठीक है मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। सर नीलेश करांडे के नाम पर आउटर पुणे थाने में एक एनसी दर्ज है। ठीक है तुम वहाँ पहुँचो, तब तक मैं उसके माँ बाप से पूछताछ करता हूँ। सर पुलिस को अब तक ना खूनी का नाम पता था और ना ही कोई सुराग मिला था। ये खून क्यों हुआ था ये भी पता नहीं चल पाया था, पर अचानक एक साथ इस कत्ल से जुड़े दो सुराग सामने आ गए। एक तरफ कातिल नीलेश के माता पिता अपने बेटे की लाश लेने आए थे और दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन से ये खबर मिली कि मुजरिम नीलेश करांडे के नाम पर एक एनसी यानी कि नॉन कॉग्निजेबल दर्ज थी। अब जब ये दो सिरे जुड़ जाएं तो समझ में आए कि कौन था ये नीलेश करांडे और उसने क्यों किया था राजेश बोरकर का खून। अभी समझ में आया वो लड़की अब तक चुप क्यों है। नीलेश कारंडे आपका बेटा, उसने राजेश बोरकर की शादी के मंडप में घुसकर उसकी हत्या कर दी। वो बहुत परेशान था साहब, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। बहुत समझाया उस, बहुत बार कहा जो हुआ उसे भूल जा भूल जा। ऐसा क्या हुआ था जो भूल नहीं पा रहा था? एनसी 5 दिसंबर को दर्ज हुई थी। 5 दिसंबर 2012। नीलेश कारंडे, नंबर क्या है उसका? 4446789885। ठीक है हम उसे थाने बुलवाकर समझाते। मैं नीलेश के साथ चौकी गया था, उससे बुलवाया, वो वापस कभी ऐसा नहीं करेगा। बहुत बार समझाया था लेकिन उसने एक नहीं सुने। आता नहीं करना साहब, मैं इसकी तरफ से जबान देता हूँ। ये खुद तो कुछ बोले, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तू लाए? तू जब लड़की मिलना नहीं चाहती तो क्यों पीछे पड़ा है? सुन अभी तो मैंने सिर्फ एनसी दर्ज की है, अगर उस लड़की को और परेशान किया ना तो सीधा एफआईआर लिखकर तुझे अंदर डाल दूंगा, समझा? अरे बोल बेटा बोल, बोल, तू उसे तंग नहीं करेगा, बोल ना बोल। उसे कभी भी तंग नहीं करूंगा। यही अच्छा है तेरे लिए, भूल जा उसे। शक्ल सूरत इतनी भी बुरी नहीं है, बहुत लड़की है दुनिया में, तुझे कोई और मिल जाएगी। अच्छा तो नीलेश अपर्णा से प्यार करता था? वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे साहब, अपर्णा भी नीलेश से प्यार करती थी, वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे साहब। अपर्णा अगर तुम्हारे आई बाबा ने शादी के लिए इनकार कर दिया तो वो हाँ कहे या ना कहे, कोई कुछ भी कहे नीलेश, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। अगर सचमुच तुम दोनों मेरी राय जानना चाहते हो तो मुझे शादी मंजूर नहीं है। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। कैसे? सेल्समैन की पगार ही कितनी होती है? इतनी भी कम नहीं होती अंकल। ये लाइफ स्टाइल देख रहे हो, अपर्णा को आदत है इसकी, दे सकोगे ऐसी लाइफ? पापा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं नीलेश के साथ खुश रहूंगी और मैं भी कमाऊंगी ना, दोनों साथ मिलकर अपना घर खड़ा करेंगे। कहने सुनने में बहुत आसान लगती है ये बातें, करो तो पता चले। 25 तारीख को जब पर्स में पैसे गिनोगी तब अकल ठिकाने आ जाएगी। गृहस्थी चलाना इतना आसान नहीं होता है, सिर्फ प्यार मोहब्बत ही काफी नहीं है जीने के लिए। मैं ये सब समझता हूँ आंटी, और ऐसा नहीं है कि मुझे आइडिया नहीं है, पर अंकल अपर्णा के आने से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है और मुझे पूरा यकीन है
अगर अपर्णा मेरा साथ देगी तो मैं मेरी जिंदगी में बहुत जल्दी तरक्की कर सकूंगा और अपर्णा को हर खुशी दे सकूंगा। पापा प्लीज आप कह दीजिए ना, मैं नीलेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं हर हाल में उसके साथ हूँ पापा। हम जानते थे अपर्णा के माँ बाप इस रिश्ते से खुश नहीं थे, एक साल तक शादी की बात को टालते रहे वो लोग। उन्हें लगता था अपर्णा अपना मन बदल लेगी, पर नीलेश और अपर्णा इरादे के पक्के थे, उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, उन्हें तो शादी करनी ही थी। नरेंद्र जी मानता हूँ आप खुश नहीं हो, पर सच कहता हूँ अगर आप राजी नहीं होंगे तो मैं भी इस रिश्ते को हाँ नहीं कह पाऊंगा। बच्चों ने थान ही लिया है तो हमारा विरोध करने का फायदा क्या, वैसे हमसे पूछे बिना भी तो वो शादी कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर मेरी बेटी की यही इच्छा है तो मुझे ये शादी मंजूर है। 6 नवंबर अच्छा मुहूर्त है, दिवाली के पहले शादी कर देते हैं। हम भी कोई मुहूर्त के लिए अच्छा सा दिन देख के आपको बता देंगे। जो भी हो राजी खुशी हो, हम तो बस इतना चाहते हैं बच्चों की खुशी के लिए आप पूरे मन से उन्हें आशीर्वाद दें। बहुत बातचीत के बाद शादी की तारीख तय हुई, 12 जनवरी को शादी होनी थी। 12 जनवरी पर 31 जनवरी को तो अपर्ण और राजेश की शादी हो रही थी, वहीं पर तो ये कांड हुआ था। हमें नहीं मालूम साहब, ये राजेश नाम का लड़का अचानक अपर्णा की जिंदगी में कैसे आया। उनकी बेटी ने अपना मन बदल लिया था, हम दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमें तब पता चला जब आउटर पुणे पुलिस स्टेशन से हमें फोन आया, नीलेश ने भी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हुआ क्या था नीलेश? हे बेटा कुछ तो बोल, ऐसे चुपचाप रहेगा तो कैसे समझेगा हमें। देख बेटा, शादी करनी थी तुमने तय किया था, हमने कुछ नहीं कहा। अब वो लड़की शादी नहीं करना चाहती इस बात का हमें पता ही नहीं था, अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। अब तो बता हमें क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, बोल ना रे। ठीक है बाबा, नहीं बताना है मत बता, हाथ जोड़ता हूं तुझसे, पर उस लड़की से दूर रह, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। ऑटो, अपर्णा, अपर्णा मुझसे बात करो। अपर्णा, अपर्णा हुआ क्या है, कोई गलती हुई है मुझसे? तुम अवॉइड क्यों कर रही हो मुझे, मेरा फोन मैंने उठाती। नीलेश प्लीज मुझे भूल जाओ, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका। कब और अचानक कैसे सब खत्म हो गया अपर्णा? अरे कुछ तो बताओ। ऑटो, ऑटो। अपर्णा, क्या है, क्यों आए हो? आंटी ये क्या चल रहा है, अपर्णा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? नीलेश बेहतर होगा तुम अपर्णा को भूल जाओ। पर क्यों आंटी, कोई मुझे बताए तो सही, इतना तो हक बनता है मेरा। आंटी 12 जनवरी को हमारी शादी फिक्स्ड है, अपर्णा कहती है सब खत्म हो चुका है, आप कह रही है उसे भूल जाओ, ये हो क्या रहा है? ये सब मुझे मत बताओ, मैंने कहा ना उसे भूल जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। अपर्णा, अपर्णा तुम्हें मुझे सब बताना ही होगा। देख अपर्णा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अपर्णा मुझसे एक बार बात करो प्लीज। अपर्णा क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? नीलेश मैंने तो तुमसे कहा ना मुझे भूल जाओ। पर क्यों, 12 जनवरी को हमारी शादी है, तुम कह रही हो भूल जाओ, तुम्हारी माँ कह रही है कि हमारे घर मत आओ, ये हो क्या रहा है? मैंने फैसला कर लिया है नीलेश, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुमने अकेले डिसाइड कर लिया? अपर्णा पिछले 2 साल से हम दोनों साथ हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी की डेट भी फिक्स्ड है, और तुम अचानक से ये कह रही हो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, क्यों? कोई जुर्म है शादी कैंसिल करना? मैंने तुमसे शादी का फैसला जल्दबाजी में लिया था,
लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम मुझे कभी एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। मैंने ये फैसला इमोशनली लिया था, मुझे प्रैक्टिकल सोचना चाहिए था। अब कह रही हूँ ना, गलती हो गई, मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। अपर्णा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर मुझे छोड़ के मत जाओ अपर्णा, प्लीज। आई लव यू अपर्णा। अपर्णा मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, दिन रात एक कर दूंगा और तुम्हें हर खुशी दूंगा अपर्णा। नीलेश, मैंने तुमसे कहा ना, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, प्लीज। अब तो अक्ल से काम ले बेटा, वो तेरे लायक नहीं है। अच्छा हुआ चली गई, अब वो शादी नहीं करना चाहती, क्यों उसके पीछे पड़ा है तू? सावधान रे बाड़ा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। अगर वेड़ा बाटलो का तुला मी, हाँ? 12 जनवरी को हमारी शादी फिक्स्ड है, सब तय हो चुका है, अब उसे कोई और मिल गया इसलिए वो मुझे लात मार के चली गई। मुझे जनवरी की 31 तारीख को शादी कर रही है वो, उससे कैसे कर सकती है वो ऐसा? ए राजा, ए पिल्लो, ना ना ना, रोम रोम रोम। देख, जो होना था शादी के पहले हुआ, बहुत अच्छा हुआ। दो चार महीने तेरे साथ रहने के बाद और फिर भाग जाती किसी के साथ, क्या करता तू? बर्बाद हो जाता तू। गणपति बाप्पा के आभार मान, उन्होंने बचा लिया तुझे। ए बेटा, समझदारी से काम ले राजा, हाँ? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत वक्त है अपने पास। मान ले वो तेरे लायक थी ही नहीं, हाँ। और अपनी जिंदगी संभाल, जाने दे उसे। भूल नहीं पाया उस लड़की को। 12 जनवरी आई और चली गई, मेरा बच्चा एकदम चुप, सब कुछ अंदर ही अंदर बर्दाश्त किया जा रहा था। और 31 जनवरी को सुबह ही वो घर से निकल गया साहब। हमें क्या पता था ये सब कर बैठेगा वो। अरे नीलेश बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बस यही कुछ काम है। सपर्णा की शादी है आज। अच्छा है, धीरे धीरे नीलेश उसे भूल जाएगा देखना, कुछ दिनों में काम पर भी लौट जाएगा देखना, सब ठीक होगा। देवा, सगड़ नीट कर रहे बाबा, मेरे बेटी की कोई गलती नहीं थी, लड़की नालायक निकली, बस मेरे नीलेश की जिंदगी संवर जाए। सब ठीक होगा, हमने कोई गलती नहीं की है तो हमारा गलत क्यों होगा? भूल जाएगा नीलेश उसे, सब ठीक हो जाएगा देखना। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दिमाग में यह सब चल रहा था, सोचा था बुरावत खत्म हो जाएगा, पर ये नहीं सोचा था अब तो बेटा ही खत्म हो जाएगा। शांत हो जाइए, अब गुस्सा करके क्या मिलेगा, हमारा बेटा तो जा चुका है। क्यों चुप बैठूं मैं, क्यों शांत रहूं? हमने अपना इकलौता बेटा खोया है, हमसे सच छिपाया और आपको बर्बाद करके रख दिया। अब बात को आगे बढ़ाकर क्या फायदा? अरे बताना तो चाहिए था, लड़की की शादी किसी और के साथ पहले ही तय हो चुकी थी, इतना बड़ा धोखा। जरूर जरूर उस लड़की ने हमारे बेटे को बेवकूफ बना के रख दिया होगा। आपकी हर बात सच है, लेकिन अब लड़ झगड़ कर क्या फायदा, हमारा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। सोल नहीं बेचाला, नहीं छोड़ूंगा मैं उनको, मैं शिकायत करूंगा उनके खिलाफ, धोखा दिया उन लोगों ने हमको, वो लड़की ही जिम्मेदार है मेरे बेटे की मौत के लिए, धोखा दिया उसने मेरे बेटे को। नहीं छोड़ूंगा मैं उनको।
हमने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आपने राजेश के घर वालों को यह बताया तक नहीं कि आपकी बेटी अपर्णा की शादी आपने किसी और जगह पे तय की थी, वो भी उसी महीने के 12 तारीख को, और यह भी नहीं बताया कि आपकी बेटी ने वो शादी तोड़ दी थी। जोगड़ेकर साहब, आपने धोखा दिया है उन लोगों को। अपने बेटी के होने वाले ससुराल वालों के साथ कभी कोई ऐसी बात करता है क्या? हमने सोचा अपर्णा ने राजेश को सब कुछ समझा दिया होगा। जोगड़ेकर साहब, आपकी सोच की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई है। राजेश भी इकलौता लड़का था और नीलेश भी इकलौता लड़का था। मरने वाला और मारने वाला दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। नौजवान लड़कों की जान गई और एक 23-24 बरस की लड़की टूटकर बिखर गई। किसे दोष दें, किसे जिम्मेदार ठहराएं? किसी एक पर उंगली उठाना आसान है, किसी एक को गुनहगार करार देना कोई मुश्किल नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यही तो करते हैं। शायद बदलते हालात को समझने की एक छोटी सी कोशिश से ये ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी। अगर अपर्णा अपने अतीत की सच्चाई राजेश को ईमानदारी से बता देती तो, अगर इस परिस्थिति को थोड़े सेंसिटिव तरीके से नीलेश को समझाती तो, अगर नीलेश हालात को समझकर अपर्णा को भुला देता तो, अगर अपर्णा के माता पिता नीलेश से उसका रिश्ता तोड़ते वक्त थोड़ी सी समझदारी दिखाते तो, उसके घर जाकर उसके माता पिता को सारी परिस्थितियों से अवगत कराते तो, या खुद अपनी बेटी को समझाया होता कि नीलेश के साथ अपने रिश्ते को यूं अचानक इस तरह से ना तोड़े तो, अपनी बेटी को ये समझाते कि इस तरह से एक रिश्ते को अधूरा छोड़कर, सच छुपाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करना गलत है तो, जितनी जल्दबाजी में हम किसी एक पर उंगली उठाकर उसे दोषी करार दे देते हैं, उसकी जगह अगर हम मिल बैठकर एक दूसरे की गलतियों, खामियों और गलतफहमियों को बातचीत के जरिए सुलझा सकें, तो ऐसे कितने हादसे टाले जा सकते हैं। कोई भी रिश्ता खत्म करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर वक्त आ जाए कि उसे खत्म करना ही है तो उसे कैसे खत्म किया जाए ये जान लेना जरूरी है, ताकि ऐसे नौजवान जीवन इस तरह से खत्म ना हो। सच के सूरज को ढक देने से किसी की भी जिंदगी में रोशनी नहीं आती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ।